हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखिए ये वाली पैटर्न आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ये पैटर्न देखिए काफ़ी प्यारा है। इस पैटर्न को आप किसी भी कार्डिगन में, स्वेटर में इसे अप्लाई कर सकते हैं। जाली वाले पैटर्न है बट थोड़ा सा अलग डिज़ाइन में है। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे प्लस 5। इस तरह से यदि आप फंदे रख लेंगे तो आपके प्रोजेक्ट में पैटर्न अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसमें देखिए मैंने 27 फंदे डाले हूँ, 10 + 10 + 7। इन 27 फंदे में मैं आपको बनाकर बताऊंगी। पहला फंदा में से स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए ये दो फंदे जो हैं, इन दो फंदों को इस तरह से एक साथ बुनेंगे। फ्रंट साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। जाली बनाते हुए हमने एक फंदा सीधा बनाया, फिर से धागा आगे करेंगे और एक फंदे को ऐसे टर्न करेंगे और बैक लूप से हम दो फंदों का एक फंदा ऐसे जाली बनाते हुए हम बना लेंगे। धागा आगे करेंगे और पांच फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। पांच फंदे हमने उल्टे बुन लिए। ये जो देखिए 10 फंदे हैं, इन 10 फंदे की बुनाई हमारी कंप्लीट होगी। ये हमारा एक पैटर्न हुआ। यहाँ से देखिए हमारा एक्स्ट्रा वाला ये फंदे छोड़कर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 फंदे जो हैं, ये 10 फंदे का पैटर्न है। फिर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए धागा पीछे कर लेते हैं और यहाँ पर ये दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फ्रंट साइड से धागा आगे करेंगे और जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे और फंदे को ऐसे टर्न करेंगे और बैक लूप से हम दो फंदों का एक फंदा ऐसे जाली बनाते हुए बना लेंगे। धागा आगे करेंगे और पांच फंदे उल्टे बुन लेंगे। इस तरह से ये 10-10 फंदे की हमने दो पैटर्न बना ली। फिर से धागा पीछे करेंगे, ये पांच फंदे की जो बुनाई है, फिर हमारी ये फंदे को अच्छे से पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए है। वो देखिए दो फंदे एक साथ, धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे और फंदे को ऐसे टर्न करेंगे और दो फंदों का एक फंदा ऐसे जाली बनाते हुए बना लेंगे और ये लास्ट वाला फंदा इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो में हम जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 फंदे हमने उल्टे बुने, धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 फंदे सीधे बुने, मतलब जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। जो फंदे सीधे दिख रहे हैं उसे सीधे बुनेंगे और जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं उसे हम उल्टा बुनेंगे। जाली वाला फंदा को भी हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से हम सेकेंड रो कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 3, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और यहाँ से हम पहले 4 फंदे सीधे बुन लेते हैं, 1, 2, 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बुने। धागा आगे करेंगे और ये वाले सीधे वाले फंदे जो हमारे दिख रहे हैं इसे हम टर्न करेंगे और यहाँ से एक सीधे वाले फंदे और ये एक उल्टे वाले फंदे, इन दोनों फंदों को एक साथ लेकर बैक लूप से हम जाली बनाते हुए सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे और 3 फंदा उल्टा, 2 और ये 3। 3 फंदे हमने उल्टे बुने, फिर से धागा पीछे करेंगे, ये उल्टा वाला फंदा और ये एक सीधा वाला फंदा, इन दो फंदों को फिर से देखिए स्टार्ट हो गया हमारा दूसरा पैटर्न। दो फंदा एक साथ, धागा आगे करेंगे और 3 फंदा सीधा बुन लेंगे यहाँ से, 1, 2 और ये 3। 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे करेंगे, फंदे को टर्न किया
और दो फंदा एक साथ बैक लूप से जाली बनाते हुए। फिर से धागा आगे करेंगे, तीन फंदा उल्टा बुन लेंगे, दो और ये तीन फंदा, तीन फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे करेंगे और फिर से ये एक सीधे वाले फंदे, एक ये उल्टे वाले फंदे, इन दो फंदों को फ्रंट साइड से ऐसे सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे और जाली बनाते हुए तीन फंदा सीधा बुन लेंगे। धागा आगे, फंदे को टर्न करेंगे ऐसे और बैक लूप से जाली बनाते हुए दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। इसके बाद हमारे पास फंदे नहीं रहे हैं, इस तरह से बना लेंगे। तो ये हमारी थर्ड रो हो गई। फोर्थ रो में फिर इसी तरह हम जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बुनेंगे, जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं उसे उल्टा बुनेंगे और जो फंदे सीधे दिख रहे हैं उसे हम सीधा बनाएंगे। रो नंबर फोर के बाद आते हैं रो नंबर फाइव में। टोटल पैटर्न हमारा जो है 12 रो का है। अब यहाँ से देखिए, एक फंदे मैंने स्लिप किए, फिर यहाँ से सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, और पांच फंदे हमने सीधे बुने। धागा आगे करेंगे और ये जो चेन हमारे नीचे से बनते आ रहे हैं इस फंदे को टर्न करेंगे और जाली बनाते हुए दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर यहाँ से एक दो, ये दो फंदों का एक फंदा ऐसे बनाएंगे, ऐसे टर्न किया, धागा आगे करेंगे और यहाँ से जाली बनाते हुए हम पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे सीधे बुने। धागा आगे करेंगे, फंदे को टर्न करेंगे और जाली बनाते हुए बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, ठीक है। धागा आगे करके ये उल्टे वाले एक फंदे, इसे हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, ये दो फंदों का हम ऐसे फ्रंट साइड से सीधा बुन लेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे और जाली बनाते हुए हम यहाँ से पांच फंदे सीधे बुन लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच फंदे, पांच फंदे सीधे बन गए फिर से, और ये बैक लूप का ऐसा सॉरी एक एक्स्ट्रा वाला फंदा है इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारी रो नंबर फाइव कंप्लीट हो गई। अब रो नंबर सिक्स, रो नंबर सिक्स रोंग साइड में जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उसे हम बुन लेंगे। इसमें सारे फंदे उल्टे ही हो रहे हैं, सिर्फ ये फंदे जो हमारे एक फंदे राइट साइड से उल्टा है तो वो रोंग साइड से सीधा होगा। तो इस तरह से रो नंबर सिक्स हम पहले बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। रो नंबर सिक्स के बाद आते हैं रो नंबर सेवन में। ये वाली लाइन को आपको ध्यान से देखना होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा आगे करके तीन फंदा यहाँ पर उल्टा बुनेंगे, पहले एक दो और ये तीन, तीन फंदे हमने उल्टे बुने, धागा पीछे करेंगे और दो फंदा एक साथ ऐसे फ्रंट साइड से, दो फंदा सीधा एक साथ बना के, फिर धागा आगे करेंगे जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे, फंदे को टर्न करेंगे और जाली बनाते हुए दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। धागा आगे करेंगे और दो फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ तक हमारी फर्स्ट पैटर्न, एक पैटर्न जो है हमारा ये यहाँ तक हुआ। देखिए यहाँ से ये दस फंदे का पैटर्न, ये हमारा एक्स्ट्रा वाला फंदा है, ये दस फंदे हो गए। फिर से अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम, फिर देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदों का एक फंदा फ्रंट साइड से, धागा आगे जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा, धागा आगे और फिर से हम दो फंदों का एक फंदा करेंगे, फंदे को टर्न करेंगे और एक फंदा पीछे वाला लेकर के हम बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। धागा आगे करेंगे, फिर से यहाँ से पांच फंदे, पहले तो दो फंदे ही हम उल्टे बुनेंगे, तो यहाँ तक हमारे दस फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इधर हमारे पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए बाकी के फंदे हैं, तो यहाँ पर तीन फंदा फिर से उल्टा हुआ, धागा पीछे और ये दो फंदों का एक फंदा, फ्रंट साइड से धागा आगे और जाली बनाते हुए लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुन लेंगे।
तो इस तरह से हमारी रो 7 कंप्लीट हो गई। अब आते हैं रो 8 में। रो 8 में रॉन्ग साइड है, उसी तरह से जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुन लेंगे। रो 8 के बाद आते हैं रो नंबर 9 में। पहला फंदा स्लिप करेंगे और दो फंदा उल्टा बुन लेंगे, एक दो, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे करेंगे और एक सीधे वाले फंदे, एक ये उल्टे वाले फंदे। इन दो फंदों का एक फंदा हम फ्रंट साइड से करेंगे, धागा आगे करके जाली बनाते हुए तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा बुना, धागा आगे और फंदे को ऐसे टर्न करेंगे और जाली बनाते हुए बैक लूप से हम दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो और ये तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से यहाँ पर ये दो फंदों का एक फंदा फ्रंट साइड से, धागा आगे और जाली बनाते हुए तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे सीधे, धागा आगे और ऐसे फंदे को टर्न करेंगे और बैक लूप से जाली बनाते हुए हम दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से तीन फंदा उल्टा, एक दो और ये तीन, तीन फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे और यहाँ पर फ्रंट साइड से दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे और जाली बनाते हुए दो फंदे सीधे। तो रो नंबर 9 भी हमारी कंप्लीट हो गई। रो नंबर 10 फिर जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाकर कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 10 के बाद आते हैं रो नंबर 11 में। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे और ये दो फंदों का एक फंदा फ्रंट साइड से, धागा आगे करेंगे और जाली बनाते हुए यहाँ पर पांच फंदे हम सीधे बुन लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच फंदे, पांच फंदे सीधे बुने, धागा आगे करेंगे, फंदे को टर्न करेंगे और दो फंदों का एक फंदा हम बैक लूप से जाली बनाते हुए बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये दो फंदों का एक फंदा। फ्रंट साइड से हम दो फंदों का एक फंदा बना लिया, धागा आगे करेंगे और जाली बनाते हुए पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच फंदे, पांच फंदे बना लिए, धागा आगे करेंगे, फिर से जाली बनाते हुए हम दो फंदों का एक फंदा, पहले फंदे को टर्न कर लेंगे और दो फंदा का एक फंदा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली बनाए सॉरी एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, फिर से ये दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे करेंगे और जाली बनाते हुए तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन। तो हमारी रो 11 भी कंप्लीट हुई। अब रो नंबर 12 हम जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनानी है। रो नंबर 12 कंप्लीट करने के बाद ये देखिए पैटर्न हमारा बनकर तैयार हो गया। इन्हीं 12 फंदे को बार बार हम रिपीट करके पैटर्न को आगे बनाते जाएंगे और अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते जाएंगे। तो बनाइए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये पैटर्न आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।